हेलो बच्चों, स्वागत है आपके प्यारे चैनल द फिजिक्स क्लासेस में। मैं कुलदीप, और आज बेटा हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, जिसके अंदर हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का एडवांस जो क्वेश्चन आते हैं, जो आपके पास अदर एग्जाम जैसे कि जेई मेंस, आईआईटी और नीट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके ऊपर आज हम स्टडी करेंगे। एडवांस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें सर्किट्स के अंदर पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है। तो उनके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक ही मान लीजिए, या फिर कुछ तरीके मान लीजिए, जिससे हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो आज बेटा हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर वो कॉम्बिनेशन, सेकेंड लेक्चर वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या रजिस्टर्स जो है उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम पहला तरीका देखिए। जैसे कि आप लोगों को हमने कैपेसिटर्स में पैरेलल सीरीज में कॉम्बिनेशंस निकालने का, टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला बताया था या तरीके बताए थे, उसी तरीके से आज हमारा जो पहला रेजिस्टेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के अंदर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का पहला फॉर्मूला करने जा रहे हैं। इसका पहला आपके पास है पोटेंशियल मेथड का यूज करके, पोटेंशियल मेथड, पोटेंशियल मेथड का यूज करते हुए कैसे टोटल कैपेसिटेंस निकाली जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर बेटा फर्स्ट करते हैं, इसी के अंदर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैसे देखिए बेटा, इसमें हमने करना है, फर्स्ट लेके चलेंगे हम एक रेजिस्टेंस लिया, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, ये ए और ये बी, आर आर आर, तीनों आर आर ओम के रेजिस्टेंस है, कुछ भी दे सकता है न्यूमेरिकल के अंदर, तो हमने आर 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 मान लिया। बेटा हमने ए और बी के बीच में टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है, सॉरी रेजिस्टेंस निकालना है टोटल। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप सबको ये सीरीज में दिखाई दे रहा है। अगर आपको ध्यान हो तो कैपेसिटर में हमने एक वायर प्रॉब्लम करवाया था, ये मान लीजिए ऐसे कनेक्ट है और ये मान लीजिए ऐसे कनेक्ट कर दिया जाए, तो अब ये तीनों के तीनों जो है सीरीज में नहीं है, तीनों रेजिस्टर्स। अब ये क्या है, पैरेलल में हो सकते हैं, कैसे? तो हम यहां से पोटेंशियल मेथड का यूज करेंगे। और क्या करना है देखिए, मान लीजिए इधर की पोटेंशियल हमने बताया था कि इनके बीच में आप एक इमेजिनरी बैटरी मान लिया करो, अपनी तरफ से इमेजिनरी बैटरी मान लिया करो, जिससे आप इसको कनेक्ट कर लिया करो। पॉजिटिव का हमेशा वी पोटेंशियल और नेगेटिव का हमेशा जीरो पोटेंशियल मान के चलते हैं हम। तो बेटा अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, देखो बीच में कुछ नहीं आ रहा, कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, तो यहां की पोटेंशियल क्या है, वी है। यहां की पोटेंशियल भी क्या होगी, वी, क्योंकि बीच में कुछ कोई और रेजिस्टेंस नहीं आ रहा। तो यहां की पोटेंशियल अगर वी है, तो इस पॉइंट की पोटेंशियल भी वी होगी। इस पॉइंट की पोटेंशियल अगर जीरो है, तो इस पॉइंट की पोटेंशियल भी जीरो होगी। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, हम यहां से दो पोटेंशियल ए और बी पॉइंट मान के चल रहे हैं। देखिए बेटा, वी और जीरो के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक रजिस्टर्स लगा हुआ है, वी और जीरो के बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये रहा देखो, वी और जीरो के बीच में, फिर से जीरो और वी के बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो जीरो और वी के बीच में भी एक रजिस्टर लगा हुआ है, ओके। फिर से देखो, वी और जीरो के बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है, वी और जीरो के बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है, यानी कि तीनों के तीनों रजिस्टर क्या है, आपस में पैरेलल में है। तो यहां से आर आर और आर, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, वन अपॉन में आर प्लस वन अपॉन में आर प्लस वन अपॉन में आर, तो वन अपॉन में आर ई कितना हो जाएगा, आर एल से ले लेंगे, वन प्लस वन प्लस वन, तो आर ई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा आर बाई थ्री। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम क्या है, टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं बिटवीन ए एंड बी पोटेंशियल मेथड का यूज करते हुए। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए बेटा, यानी कि इस रजिस्टर के पास कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है, वी माइनस जीरो वी, इसके पास कितनी पोटेंशियल है, वी माइनस जीरो वी, इसके पास कितनी पोटेंशियल है, वी माइनस जीरो वी, तीनों के पास अगर वी पोटेंशियल है, यानी तीनों के पास सेम पोटेंशियल है, तो तीनों आपस में क्या है बेटा, पैरेलल में है। क्या है, पैरेलल में है, ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड होगा हमारा। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, देखिए बेटा,
ये एक सर्किट है, एक रेजिस्टर, दो रेजिस्टर, और इधर से है, एक बार मैं देख लेता हूं, हाँ एक रेजिस्टर इधर, एक रेजिस्टर इधर, ऐसे कनेक्ट है, एक यहां पर, एक यहां पर, ओके, एक यहां पर, और ये इसके ऊपर से है। देखो बेटा ये वायर का मिनी, अगर मैं कभी भी ऐसा सिंबल बनाऊ तो समझ जाना कि इस वायर के ऊपर से ये वायर है, यानी टच नहीं हो रही आपस में। एक ही सबका रेजिस्टेंस कुछ भी दे सकता है, हमने अपनी तरफ से मान लिया आर 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 और आर। ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है, यानी कि इन दोनों के बीच में बैटरी लगी हुई है, ये मान के चल सकते हो आप, ठीक है। तो हमने ए और बी के बीच में टोटल कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो निकालना है बेटा, ध्यान दीजिए। वही काम करना है आपने, यहां की पोटेंशियल वी मानी हमने, यहां की पोटेंशियल जीरो मानी। देखिए बेटा इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल वी है, तो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या होगी, वी। इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जीरो है, तो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या होगी, जीरो। अब ध्यान दीजिए, यहां से हमारे पास और कोई पॉइंट हमें नहीं मिल रहा, तो ए पॉइंट यानी कि वी पोटेंशियल, और यहां पर मान लिया हमने बी पॉइंट यानी कि जीरो पोटेंशियल। अब देखिए ये दोनों जो रजिस्टर है, ये ऊपर वाले, ये वी और जीरो के बीच में है, यानी कि लगातार दो रजिस्टर है वी और जीरो के बीच में, ठीक है। अब देखिए ये वाला और ये वाला रजिस्टर, ये वाला और ये वाला रजिस्टर भी वी और जीरो के बीच में है, यानी कि ये इनके साथ पैरेलल में है, ठीक है, ओके। अब देखिए ये दोनों रजिस्टर भी क्या है, आपस में वी और जीरो के बीच में है, यानी कि ये इसके इसके भी पैरेलल में है, ये भी दोनों साथ साथ है, ओके। अब देखो ये वी और जीरो के बीच में है ये दोनों रजिस्टर भी, तो यानी कि बेटा क्या समझे, यहां से सारे रजिस्टर, ये दो रजिस्टर सेम पोटेंशियल के बीच में, उतनी ही पोटेंशियल के बीच में ये दोनों रजिस्टर, उतनी ही पोटेंशियल के बीच में ये दोनों रजिस्टर, उतनी ही पोटेंशियल के बीच में ये दोनों रजिस्टर, यानी कि आपके पास दो दो का कॉम्बिनेशन पैरेलल में है। तो बेटा देखिए ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर और ये आर, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये तो ये 2R हो गया। देखो ये सीरीज में है, तो ये 2R, ये 2R, ये 2R, ये 2R, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए बेटा, पैरेलल में। तो पैरेलल में कैसे निकालेंगे कॉम्बिनेशन इन सभी का, तो R इक्विवेलेंट 1/1 में 2R, 1/2R, 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 तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यहां से 2R हमने एल से ले लिया 4, इसको पलटेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2R, तो ये आ गया आपके पास R बाई 2। देखिए बेटा ये आ गई टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये भी। अच्छा आगे हम करते हैं इसी का थर्ड क्वेश्चन, इसी टाइप का उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखता हूं तो आप वीडियो को पॉज करके ट्राई किया करो, और बेटा इनको होमवर्क में करके कॉमेंट में सेंड भी किया करो इनके आंसर, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ये एक सर्कल है मान लीजिए, यहां पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, 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 ये पॉइंट ए है, और यहां पर एक पॉइंट बी मान लेते, यानी कह सकते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच में एक बैटरी लगी हुई है ऐसे, ठीक है, इमेजिनरी बैटरी हमेशा मान के चलनी है आपने, तो यानी कि ये कह सकते हो कि इधर की पोटेंशियल बी और इधर की पोटेंशियल जीरो, ये है, ये दो पॉइंटों के बीच में आपने ये टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो सबकी रेजिस्टेंस हमने मान लिया आर आर आर, ओके बेटा। देखिए अगर इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जीरो है तो बीच में कुछ नहीं आ रहा, तो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जीरो होगी, बीच में कुछ नहीं आ रहा, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जीरो होगी, बीच में कुछ नहीं आ रहा, इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल जीरो होगी। अच्छा बेटा इस पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल होगी, इस पॉइंट पे देखो अगर मैं वी मान मैं कहूं यहां पर भी है तो यहां पर भी होगी, तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहां पर अगर पोटेंशियल वी है तो बीच में रजिस्टर आ गया तो यहां पर वी नहीं बचेगी, तो यहां पर अपनी तरफ से मान लो एक्स, तो अब बेटा तीन पोटेंशियल हमारे पास हो गई, V,
एक्स और जीरो, ठीक है, वी एक्स जीरो, यानी कि तीन पॉइंट हमें मिले। वी वाले को हम ए पॉइंट बोल रहे हैं, जीरो वाले को बी बोल रहे हैं, एक्स को बीच में हमने अलग से एक पोटेंशियल मिली। तो देखिए बेटा, ये जो रजिस्टर लगा हुआ है, ये वाला रजिस्टर, ये जीरो और एक्स के बीच में है, तो एक रजिस्टर जीरो और एक्स के बीच में है, एक रजिस्टर और है जीरो और एक्स के बीच में, यानी कि एक रजिस्टर और है जीरो और एक्स के बीच में, एक रजिस्टर और है जीरो और एक्स के बीच में, एक रजिस्टर और है जीरो और एक्स के बीच में। और देखिए बेटा, यहां पर एक्स और वी के बीच में भी एक रजिस्टर है, एक्स और वी के बीच में भी एक रजिस्टर है। आया समझ में कुछ? तो यहां से अब सर्किट आसान हो गया, तीनों क्या है ये पैरेलल में है, तो एक रजिस्टर ये और तीनों का पैरेलल से हम इक्विवेलेंट निकालेंगे इनका, तीनों का, तो तीनों का इक्विवेलेंट निकाल के देख लो, आर बाई थ्री आएगा, ठीक है। तो यहां से आपको बी पॉइंट है, ये आर है और ये आर बाई थ्री मिल गया, तीनों दोनों सीरीज में है, तो टोटल टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा देखिए बेटा इसका, आर प्लस आर बाई थ्री, यानी कि फोर आर बाई थ्री, ये आ गया यहां से, ठीक है बेटा, समझ में आ गए क्वेश्चन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन इसी का, क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिएगा, क्वेश्चन जैसे ही मैं लिखता हूं वीडियो को पॉज कर लिया आपने, और उसके बाद उसको सोल्व करना है, ओके। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर हम करते हैं, देखिए बेटा एक हमारे पास ट्रायंगल शेप है, ओके मैं एक बार देख लेता हूं, ठीक है, यहां से ये इस तरीके से कनेक्ट है ऐसे, इस तरीके से ये है बेटा, ओके, ये पॉइंट हम हमारा दे रखा है ए और ये पॉइंट हमारा दे रखा है बी, ठीक है बेटा, हाँ ये ए है और ये बी है, सॉरी ये ए नहीं है, यहां पर ए नहीं है क्वेश्चन के अंदर, यहां पर ए है, ये बी है। अच्छा, इन सब का रेजिस्टेंस जो है आर है, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आप इसमें नहीं पहचान सकते कौन से सीरीज में और कौन से पैरेलल में, तो क्या करना है आपने इसके अंदर, वही काम करना है, ये ए पॉइंट था तो यहाँ की पोटेंशियल वी मान ली, और ये बी पॉइंट था यहाँ की पोटेंशियल हमने जीरो मान ली, बैटरी इन दोनों पॉइंटों के बीच में लगी हुई है। देखिए बेटा, अगर इसकी पोटेंशियल सॉरी इसकी जीरो है तो इस पॉइंट कितनी होगी, जीरो नहीं हो सकती क्योंकि बीच में देखो रजिस्टर आ गया, इस पॉइंट की जीरो है तो इस पॉइंट की भी जीरो नहीं हो सकती क्योंकि बीच में रजिस्टर आ गया, तो इसका मीनिंग इस पॉइंट को हम की पोटेंशियल हमें नहीं पता, वी भी नहीं हो सकती क्योंकि बीच में रजिस्टर आ रहा है, तो इस पॉइंट की पोटेंशियल हम अपनी तरफ से एक्स मान लेते हैं, अगर इसकी पॉइंट की एक्स है तो इस पॉइंट की भी एक्स होगी, क्यों होगी बेटा एक्स इसकी, क्योंकि बीच में देखो यहां पर रजिस्टर नहीं आता, अपनी तरफ से इमेजिनरी पोटेंशियल मान रहा है, तो यहां पर तीन पोटेंशियल होगी वी एक्स और जीरो। तो बेटा देखिए, ये रजिस्टर जीरो वी के बीच में है, ये रजिस्टर जीरो और बी के बीच में है, ये वाला, ठीक है, ये रजिस्टर एक्स और जीरो के बीच में है, ये रजिस्टर एक्स और जीरो के बीच में है, ये रजिस्टर भी एक्स और जीरो के बीच में है, ये रजिस्टर भी एक्स और जीरो के बीच में है, ओके, ठीक है बेटा। अब देखिए आगे, और ये वाला रजिस्टर एक्स और वी के बीच में है, ये वाला रजिस्टर एक्स और वी के बीच में है, ठीक है, ये वाला रजिस्टर भी एक्स और वी के बीच में है, तो ये वाला रजिस्टर भी एक्स और वी के बीच में है, तो ये इस तरीके से दे रखा है कॉम्बिनेशन। तो ध्यान दीजिए बेटा, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर और ये आर, देखिए ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, तो क्या आएगा कॉम्बिनेशन इनका, ये हमारा ए पॉइंट था, ये हमारा बी पॉइंट है, इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा आर बाई टू, दोनों पैरेलल में है, इसको सोल्व करोगे तो भी आर बाई टू आएगा, और इनके साथ एक और लगा हुआ है नीचे की साइड ये वाला, अभी आर बाई टू, आर बाई टू क्या हो गया सीरीज में, तो आर बाई टू, आर बाई टू, ये बी पॉइंट और ये हो गया आपका ए पॉइंट, तो ये आर हो गया आर बाई टू प्लस आर बाई टू आर, और ये हो गया आर, तो ये दोनों फिर से पैरेलल में हो गए, तो यहां से बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा आर बाई टू, सोल्व करके देख लो बेशक दोनों पैरेलल में, पैरेलल वाले फॉर्मूले से आप निकालिए इसको, ठीक है। तो ये आई थिंक बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा पांचवा क्वेश्चन इसी का, इसके ऊपर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं, पेपर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, तो अपनी बुक उठाइएगा और अच्छे से न्यूमेरिकल इनसे सोल्व कीजिएगा, हमने कॉन्सेप्ट यहां पर हम क्लियर करवा रहे हैं आपके बहुत अच्छी तरह से,
वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखे देखना चाहिए आपने वीडियो को। ऐसा नहीं है कि बीच में आधी अधूरी वीडियो देखी, ये सब कुछ आप लोगों के लिए ही है, ये सारा मैटर आप लोगों के लिए ही है। अगर आप लोग ही इनसे नहीं सीखोगे तो फिर बेटा टाइम निकल जाता है, और जब टाइम निकल जाता है तो सिर्फ लास्ट में बचता है पछतावा। ठीक है, तो आप पछतावे की जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, अच्छी तरह लगन से पढ़िए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिएगा ध्यान से। मान लो ये एक सर्कल है, ओके, एक रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है, मैं एक बार देख लेता हूं, सॉरी तीन लगे हुए हैं, एक दो तीन, ओके। यहां से ये ऐसे कनेक्ट है, एक यहां से ये कनेक्ट है, ओके। यहां पर एक बीच में एक रजिस्टर और लगा हुआ है, यहां पर भी बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है बेटा, ठीक है। ये इस तरीके का सर्किट है, ओके। पॉइंट ए और बी बता देता हूं मैं, ए यहां पर है और बी यहां पर है, सारे बेटा आर 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 और आर और आर ओम के रजिस्टर है। सोल्व करना है आपने इसको, ध्यान दीजिए सभी मेरी बात पे बेटा। एक काम करेंगे, इसको वी पोटेंशियल डिप मान लेंगे, इसका जीरो पोटेंशियल मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए, इस पॉइंट के बीच में कोई भी आर नहीं आ रहा, तो इसका मीनिंग क्या है, यहां की पोटेंशियल भी वी होगी, यहां पर भी कुछ नहीं आ रहा तो यहां की पोटेंशियल जीरो होगी। बट अगर यहां की जीरो है, तो देखिए यहां पर भी कुछ नहीं आ रहा तो यहां की पोटेंशियल भी बेटा जीरो होगी, और यहां पर और इस पॉइंट के बीच में भी कुछ नहीं आ रहा तो यहां की पोटेंशियल भी वी होगी। देखिए अब ध्यान से समझिए, हमारे पास दो ही पोटेंशियल है, सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं, तो बेटा ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में आपने देखना है किस तरीके से रजिस्टर लगे हुए हैं ये। तो बेटा देखो, यहां की पोटेंशियल वी और यहां की पोटेंशियल वी, यानी कि एक रजिस्टर लगा हुआ है जीरो और वी के बीच में, जीरो यहां की वी और यहां की जीरो, तो एक और लगा हुआ है इसके साथ पैरेलल में, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं, पैरेलल में लगा हुआ है, ओके। अब देखिएगा आगे, यहां की जीरो और यहां की वी, एक और लगा हुआ है, ठीक है, अच्छा यहां की जीरो और यहां की वी, एक और लगा हुआ है, ठीक है। तो बेटा और क्या रह गया, देखिए ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, और ये रह गया हमारा, ये भी वी और जीरो के बीच में, एक रजिस्टर और है हमारा जीरो और वी के बीच में। तो बेटा ये पांच रजिस्टर्स आपके लगे हुए हैं, सारे के सारे किस तरीके से है मैं देख लेता हूं, चेक कर लेता हूं, यस, तो ये बेटा इस तरीके से आपके रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है, सारे के सारे पैरेलल में हैं, तो सबका रेजिस्टेंस आर 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 और आर और आर है। आर इक्विवेलेंट निकालोगे बेटा तो वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी आर अपॉन में फाइव, ठीक है बेटा। ये था आपके पास टोटल रेजिस्टेंस निकालना बिटवीन ए एंड बी पॉइंट के बीच में बाय यूजिंग पोटेंशियल मेथड। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं इसी का, या फिर मैं एक काम करता हूं, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देता हूं, आपने इसका सोल्व करके इसको और एक इसका रेजिस्टेंस मुझे बताना है। ध्यान दीजिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके लिए है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। ये एक सर्कल है, यहां से एक रजिस्टर, यहां से एक रजिस्टर, यहां से एक रजिस्टर, यहां से एक रजिस्टर, ठीक है बेटा। अब एक काम कर लेते हैं, ये पॉइंट आपका बी है और इस बी से पॉइंट ए मान लेते हैं, सारे आर 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 और आर ओम के हैं, आपने इसको सोल्व करना है, टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी टर्मिनल्स आपने यहां से बतानी है, ओके। आपके लिए है होमवर्क है आपका, या आप कमेंट में जितनी जल्दी हो सकता है इसके आंसर मुझे लिख के बताइएगा, ओके बेटा। नेक्स्ट मेथड जो है हमारा, पोटेंशियल मेथड हमने करवा दिया, नेक्स्ट मेथड हम करवाएंगे इनफाइनाइट नेटवर्क प्रॉब्लम, सेकंड जो है इसी का इनफाइनाइट नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है। ये बेटा उसी तरीके से है हमारा जिस तरीके से हमने कैपेसिटर में टोटल कैपेसिटेंस निकालना सीखा था। देखिएगा पहला क्वेश्चन करवाते हैं इसका, देखिए एक रेजिस्टर्स लगा हुआ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये इस तरीके से बेटा एक सर्किट है,
और ये कंटिन्यू आगे तक ऐसे इनफाइनाइट तक चलता रहता है बेटा। ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, आर, आर और आर, इस तरीके से ये चलता है। तो बेटा इनफाइनाइट सर्किट में हम क्या करते थे, सबसे पहले मैं कहता हूं ए और बी के बीच में जब इसको सोल्व करोगे पूरे सर्किट को तो इसकी रेजिस्टेंस कितना आएगा इसका वो नहीं पता हमें। तो मान लेते हैं लेट टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू एक्स ओम। तो हमने बता दिया कि ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, एक्स ओम आएगा बेटा। अगर टोटल रेजिस्टेंस एक्स आएगा, देखिए बेटा कितने रेजिस्टेंस है, ये इनफाइनाइट तक है, बहुत सारे रेजिस्टेंस है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए है, अगर उसमें से मेरे पास 1 रुपया खो जाता है तो मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ना। 10 करोड़ में से 1 रुपया खोने का कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर मैं इतने सारे रेजिस्टेंस में से आगे के 2 रेजिस्टेंस हटा भी दूं तो टोटल रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बेटा इस कंडीशन में आपने क्या करना था, हमने बताया था कि आपने चेक करना है कि आपकी यूनिट कहां से रिपीट हो रही है। जैसे कि देखो आर आर, फिर ऐसे ही बिल्कुल इसी तरीके से आर 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 आर, यानी कि अगर मैं इन दोनों को हटा दूं, इन दोनों रेजिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए नहीं के बराबर मान लेता हूं, तो अगर मैं ए को यहां से और बी को यहां से स्टार्ट करूं तो हमारे पास फिर से वैसा का वैसा ही सर्किट होता है। तो यानी कि मैं यहां तक की इन सभी का टोटल रेजिस्टेंस मान लेता हूं एक्स। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये 2 रेजिस्टेंस थे हमारे आर आर, और इससे आगे के जितने भी रेजिस्टेंस थे उनका हमने क्या मान लिया, एक्स रेजिस्टेंस। अब देखो बेटा ये दोनों क्या है, सीरीज में, सॉरी पैरेलल में है। तो पैरेलल में जब हम सोल्व करते हैं तो ए और बी के बीच में क्या आ जाएगा, ये आर, इसको जब हम सोल्व करेंगे पैरेलल में तो आंसर आएगा आर एक्स अपॉन में आर प्लस एक्स। ये दोनों पैरेलल में, अब ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। तो हम निकालेंगे यहां से, सीरीज में क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं, तो हमारी टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स के इक्वल। देखो बेटा हमने कहा ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारा, एक्स। तो हमने हमने क्या किया था, इस पूरे का एक्स मान लिया था, 2 और जोड़ देंगे उसके साथ तो हमारे पास आंसर तो एक्स ही आने हैं ना, ठीक है। तो हमने उस तरीके से सोल्व किया तो हमारे आंसर हमें उतने ही मिलने हैं जितने हम मान कर चले। बेटा इसको साफ कर दूं मैं, ओके, उसको सोल्व करेंगे हम, आप देखिएगा, और वहां से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। देखिए एलसीएम लीजिए, जैसे ही आप एलसीएम लोगे अपॉन में आर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आर स्क्वायर और आर एक्स, आर एक्स क्या हो जाएगा 2 आर एक्स, ये उतर जाएगा तो आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन सभी को उधर लेके चले जाइए तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व करके हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे, और एक्स स्क्वायर किस फॉर्मूले से निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो बेटा एक्स की वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू कितनी है माइनस आर, तो यहां पर रखेंगे क्या हो जाएगा प्लस का आर, प्लस माइनस रूट माइनस आर का स्क्वायर, सो आर का स्क्वायर, यहां से क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये रखेंगे तो क्या आएगा प्लस का 4 आर स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में एक्स स्क्वायर का कितना है 1। तो ये आ गया बेटा, इसको सोल्व करो आप लोग, तो यहां से आपके आंसर मिलेंगे आर प्लस रूट 5 आर अपॉन में 2, और दूसरा आंसर मिलेगा आर माइनस रूट 5 आर अपॉन में 2। तो माइनस में आंसर हो ही नहीं सकते क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है, तो आंसर टोटल रेजिस्टेंस नहीं ले सकते। तो ये आ गया आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। आई थिंक बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसी में एक इसी कड़ी के अंदर एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन इसी का, ये बेटा कंटिन्यू आगे तक चलता जाएगा। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सारे आर 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 ओम के हैं,
तो बेटा मैंने कहा था कि पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस मान लो आप, वही काम करना है आपने। टोटल रेजिस्टेंस हम क्या मान लेंगे इसका, एक्स मान लिया हमने। अब क्या करना है हमें, चेक करना है कि रिपीट कहां से हो रहे हैं। देखो ये रेजिस्टेंस, ये फिर ऐसे ही, ये फिर ऐसे ही, यानी कि रिपीट हो रहा है हमारा यहां इसके बाद ऐसे। तो हम इन इस पूरे का क्या मान के चलेंगे, पूरे का क्या मान के चलेंगे बेटा, इसको हम मान लेंगे, इसका रेजिस्टेंस मान लेंगे एक्स, इससे आगे आगे, और ये हमारा आर है, ये आर है। इसी तरीके से हम कैपेसिटर में करके लेके आए थे, ठीक है। अब देखो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये ए, ये बी, और यहां से हमारा आ गया ये आर प्लस एक्स, और ये हो गया आर, ठीक है। अभी दोनों किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं, इन दोनों का रिजल्ट टाइम कैसे निकालेंगे, R इनटू में R प्लस एक्स अपॉन में R R प्लस एक्स इज इक्वल टू किसी को होगा टोटल रेजिस्टेंस, एक्स इक्वल मान के चले टोटल रेजिस्टेंस, ओके। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, R स्क्वायर R x 2R प्लस x इज इक्वल टू x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो यहां से आएगा बेटा R स्क्वायर R x 2RX plus X square। अच्छा मैं इसको साफ कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमारी, इसको सोल्व करेंगे, इन सबको उधर लेके जाएंगे तो आंसर आएगा X square plus RX minus R square is equals to 0। तो यहां से X square निकालेंगे उसी फॉर्मूले से माइनस बी वाले से, तो यहां से क्या आएगा बेटा माइनस आर प्लस माइनस रूट, यहां से आ जाएगा आपका आर स्क्वेयर प्लस फोर आर स्क्वेयर अपॉन में टू। तो यहां से आएगा बेटा R प्लस का ले लेंगे एक बार, फाइव रूट का R अपॉन में टू हो गया, और एक बार माइनस R माइनस फाइव रूट R अपॉन में टू, तो नेगेटिव वाला तो लेके ही नहीं चलेंगे। तो यहां से हमारा टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा ये, तो बिटवीन A एंड B सर्किट हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया। बेटा हम इसी के ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो और लेके आएंगे टोटल रेजिस्टेंस निकालने का, अभी हमारे पास एक दो मेथड और रह रहे हैं, तो जब तक के लिए आप इन दोनों मेथड्स के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा, एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।